अस्सलाम वालेकुम। तो एक डिस्क्लेमर देने के लिए वीडियो बीच में डाल दी है मैंने कि मेरे और मेरे हस्बैंड की पुरानी वीडियो है। तो डिस्क्लेमर मैंने ये देना था कि ये 25th रोज़ा और 26th रोज़े को मैंने एक जो व्लॉग बनाया था उसको कंबाइन करके एडिट किया है, क्योंकि 25th रोज़े को मैंने पूरा व्लॉग बनाया था बट एंड में मेरा मोबाइल टूट गया, स्क्रीन टूट गई, तो वो व्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ था तो उसको और 26 को मैंने कंबाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं डायरेक्ट किचन से स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा, क्योंकि सहरी तो हमने की नहीं, हस्बैंड नहीं उठे थे, और उसके बाद सारा मतलब सुबह 10-11 बजे सोई मैं, सारी रात में जागी हुई थी, इतना मुझे बॉडी पेन था, शायद हमने वॉक ज़्यादा की थी मॉल में। चले मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, लाइक 2:30 उठी हूँ, उसके बाद फिर लेजीनेस हो रही थी तो अभी मैं किचन में आई हूँ। तो ये चिकन डिफ्रॉस्ट होने रखा है मैंने, ये मैं चिकन मैक्रोनीस बनाऊँगी और साथ ही इसके मैं क्लब सैंडविचेस बना लूँगी, उसमें ऐसे ही छोटा छोटा चिकन डलता है। तो आप लोग कहेंगे सारा दिन इसका या मैक्रोनीस या चिकन चाउमीन या बिरयानी, तो हाँ जी, क्योंकि मैं जस्ट वही बनाती हूँ या बनाऊँगी जो मेरे हस्बैंड खाएंगे, और आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि मेरे हस्बैंड किस हद तक पिकी ईटर हैं। हम तो फिर भी लाइक मैं और मेरी सिस्टर हम लाइक काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ विज़िट कर चुके हैं, तो हमें नया फूड और नई चीज़ें डिस्कवर करने का बहुत ज़्यादा शौक है, स्पेशली नया फूड। तो हम मतलब खा लेते हैं, ऐसा ना टेस्ट जैसा भी हो बस एडजस्ट हो जाते, बट मेरे हस्बैंड नहीं होते, मेरे हस्बैंड को जस्ट वही चाहिए होता है, वही खाते हैं जो उनको पसंद है। तो जाहिर सी बात है फिर वही बनाऊंगी, आज मैं चिकन मैक्रोनीस बनाऊंगी और साथ में चिकन क्लब सैंडविचेस, पता नहीं अभी इनको पसंद आते हैं क्लब सैंडविचेस या नहीं, देखते हैं, और साथ में वही आलू प्याज के पकौड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चिकन हमारा कट गया है क्लब सैंडविचेस के लिए, एक ही सैंडविच बनाऊँगी तो जाहिर सी बात है इतना काफ़ी है। तो अब ये थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, पानी में ये चिकन डालेंगे, साथ में थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ही डालेंगे, थोड़ा बहुत थोड़ा सा 1 pinch, और साथ में ही थोड़ा सा विनेगर। बस इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे 5-6 मिनट के लिए, क्योंकि छोटे छोटे पीसेज जल्दी बॉयल हो जाएंगे, इनको फिर फ्राई भी करना है। तो ये जब तक बॉयल होते हैं मैक्रोनीस की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको वो टमाटर दिखा रही हूँ जो मैंने फ्रीज़ किए थे, तो वही दो निकाले हैं मैंने, साथ में मेरी फिंगर्स फैलती थी उनसे कटिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने को हाथ दिखाए अपने क्योंकि तो नज़र ही नहीं आई। तो यहाँ पे जल्दी से आलू काट लेते हैं, उसको छोटा छोटा ही काटना है जैसे हमने चिकन को, चिकन अभी कटा भी नहीं है बट चिकन को भी ऐसे ही काटना है ताकि ये गलाने में भी ईजी हो और टमाटर पीस टाइम भी कम लगे। ऐसे ही डालते हैं, कोई स्पेशल तरीका नहीं है। और अब धनिया काट लेते हैं। अच्छा मैं एक यूट्यूबर को देखती हूँ, पाकिस्तानी है वो, इतने मज़े का वो बोलती है धनिया धनिया के पत्ते डालते हैं, इतना मुझे अच्छा लगता है वो। तो ये मैं धनिया के पत्ते डाल रही हूँ, धनिया के पत्ते, धनिया डाल रही हूँ, धनिया इसमें ज़्यादा डलता है, मेरी सास तो इतना डालती है इसमें, और ये रेसिपी मेरी सास की है। तो बस ये धनिया डल चुका है, मैं ये हाथ ज़रा धो लूँ, मुझे इरिटेशन होती है ऐसे। अब मसालों की बारी है, थोड़ा सा चिली पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी 1 pinch, अगर मेरे हस्बैंड को पता चले कि इसमें हल्दी है वो खाएंगे नहीं,
धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए, तो ये थी चिली फ्लेक्स क्योंकि हम स्पाइसी नहीं खाते, थोड़ा कम इतने, और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला। इसको मिक्स करती हूँ फिर दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये मैक्रोनीस का सामान भी रेडी है, ये पोटैटो, साथ में चिकन को काट लिया है मैंने, इसको साइड पे करते हैं, और ये क्लब सैंडविचेस के लिए बॉयल हो गया, इसको फ्राई बाद में करूँगी, और अभी मैक्रोनीस ख़त्म है उसको रिफिल कर देती हूँ, क्योंकि पानी मैंने बॉयल होने रख दिया है, जब तक वो बॉयल होता है रिफिल कर लेते हैं। जी, अब तैयारी स्टार्ट करते हैं मैक्रोनीज बनाने की। अभी पानी बॉईल हो रहा है, उसके बाद मैक्रोनीज डालूंगी तो ये बॉईल होंगी, तब तक ये चिकन और आलू वाला सालन भी बन जाएगा। तो इसमें मैं हाफ प्याज डालूंगी, इतना सा पीस, छोटा छोटा काट कर। ऐसे छोटा छोटा काट कर चिकन डाल देंगे, लहसुन अदरक पेस्ट, साथ में नमक, इसको जस्ट वन सीटी आने तक पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं, जस्ट वन सीटी। तो इसको मैं बंद करके रखती हूँ इंडक्शन पे, फिर दिखाती हूँ। ये बॉयल हो गया, बिल्कुल नहीं चाहते, वहाँ पे चिकन हो रहा है, बॉइल होती है चिकन फ्राई होता है, फिर मैं दिखाती हूँ बाय। सो जब तक कि मैक्रोनीज बॉइल होती है, ये पकता है, तब तक मैं वेजिटेबल्स काट लेती हूँ, वाटरमेलन काटूँगी आज और अमरूद काटूँगी, क्योंकि डेली दो फ्रूट्स हस्बैंड को पसंद है, तो ये काटती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब इसकी कटिंग दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये मैं काटती हूँ फिर दिखाती हूँ। फ्रूट कट चुका है, मैक्रोनीज बॉइल हो गई है, और चिकन भी बन गया है, मतलब फ्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे ये आलू मैरिनेटेड, थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देंगे, और इसको भी जस्ट एक सीटी आने तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए थोड़ा सा ही पानी डाला है मैंने, जस्ट वन एक घूंट डाला है, और बस इसको आप बंद करके जस्ट एक सीटी आने तक पका लेंगे, फिर आप देखिए इतने अच्छे से पोटैटो गल जाते हैं, तो फिर मैं दिखाती हूँ। हाँ, तो अब मैं प्लस सैंडविचेस के यहाँ पे चिकन फ्राई कर लेती हूँ। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन,
धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर नमक हम पहले डाल चुके हैं और थोड़ी सी कुकिंग है बस। हाँ तो अब बारी है इसको असेंबल करने की, तो मेयोनीज़ डालेंगे। साथ में केचप डालेंगे। दोनों में चिकन रख देंगे। अब क्या करना है कि इसको कैप्सिकम को ऐसे रखना है, काफी बड़ा है, इसको यहाँ पे रखना है और एक टमाटर यहाँ पे रख देते हैं और इसको ऊपर से ऐसे करना है और ये डबल सैंडविच है और इसको बीच से काट देते हैं। तो इसको मैं काटती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो अब इसको रैप करते हैं, रैप करना मैं दिखाती हूँ। उसको मैं रैप करती हूँ, तब तक आप ये देखें ये चिकन और पोटैटो ये पक गया। इसमें हम मेयोनीज डालेंगे और यहाँ पे मैं इनको रैप करती हूँ। पहले मेयोनीज डालते हैं फिर मैं दिखाती हूँ। तो दूसरा भी फोल्ड करती हूँ फिर दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो अभी टाइम दिखाती हूँ मैं, चलो जी। तो अभी टाइम है 6:40। तो अभी मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस और तो वो ऑफिस गए हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ कर लिया है अभी तक। कपड़े धोए हैं मैंने, साथ में आलू बॉईल होने रखा है और अभी ये चने मैंने भिगो कर रखे थे रात को ही, तो इनको बॉईल करूँगी। तो मैंने आज पूरी और चिकड़ चोले बनाने हैं, पूरी नेबर्स के घर भेजूँगी और हम रोटी के साथ ही खाएंगे। मैं यहाँ पे ज़रा बैठ जाती हूँ। तो चिकड़ चोले मैंने कल बनाए थे लैलतुल कदर पे, बट सीन कुछ ऐसा है कि कल मैंने हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर ने बुलाया है और कुछ और इम्पोर्टेंट काम है, कल इंशाल्लाह बताऊँगी आपको। तो कल का दिन तो सारा बिजी गुजरना है, तो मैंने कहा चलो आज ही बना लेते हैं, तो आज ही बनाऊँगी इंशाल्लाह। और हाँ मैं आपको मोबाइल का बताती हूँ, तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी, ख़राब हो गई, टूटी नहीं थी, ख़राब हो गई थी। और ख़राब कैसी हुई मैं बताती हूँ आपको, सही एक्सपेंसिव पड़ा है मुझे ये स्टैंड, तो मैं इसमें लगा कर वीडियो रिकॉर्ड करती थी। तो ये आप देखें ये कितना टाइट है, ये वाली जगह,
ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इस पे लगा के मैं रिकॉर्डिंग करती थी, तो इसकी वजह से स्क्रीन पे प्रेशर पड़ा है और स्क्रीन मेरी ख़राब हो गई थी। तो ये स्टैंड तो गया, ज़ाया हो गया, इस पे तो मैं अब यूज़ नहीं करूँगी मोबाइल, तो आपको ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा कुछ दिन, क्योंकि उस बंदे ने बोला है कि मैं आपके लिए सही स्टैंड मंगवाता हूँ, ये नहीं यूज़ करना। और स्क्रीन उन्होंने चेंज कर दी है, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी है मुझे स्क्रीन दूसरी वाली। तो एक साल पहले ही मैंने मोबाइल लिया था और ये इसका यह हाल हो गया है रिकॉर्डिंग्स की वजह से। तो अब चले मैं क्या करूँ, हाँ क्या करना था, हाँ चने बॉईल करने हैं, तो इनको अच्छे से धोकर कुकर में बॉईल करती हूँ। और आलू भी हमारा आई थिंक बॉईल हो गया है, हाफ ही ली, हाँ बॉईल हो गया, हाफ ही लिया है मैंने, क्योंकि चिक्कड़ छोड़ो मैं इसको जस्ट मैश करके डालना होता है ताकि ग्रेवी थिक बने। तो ये बॉईल हो गई यहाँ पे, अब चने बॉईल करती हैं। बॉईल चने, इन्होंने पानी डाला है, नमक डाला है और 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, क्योंकि कुकर छोटा है और पानी ज़्यादा है तो पानी फिर बाहर आ जाता है, जब सीटी लगती है इसको तो सीटी के साथ पानी फिर बाहर आता है, तो अगर ऑयल डाले ना 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून फिर पानी बाहर नहीं आता। तो इसको अब रखते हैं, गलाते हैं, ये जल्दी गल जाएंगे, फिर मैं दिखाती हूँ। और आलू भी हमारा बॉयल हो गया, तो ये आलू बॉयल हो गया, चने बॉयल हो रहे हैं, तो मैंने सोचा तब तक आपसे बात करूँ। ये सारे कपड़े हैं, तो बात ये करनी थी कि मैं सोच रही हूँ मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊँ अपने बारे में, लाइक अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, आप लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चंस हैं मेरे बारे में, तो अगर आप चाहते हैं मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताएं। और जो क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, शादी से पहले कैसी थी, फैमिली के बारे में, इन लॉज के बारे में, हस्बैंड के बारे में, मेरी एजुकेशन के बारे में, कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछे, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में ट्राई करती हूँ कि मैं बना लेती हूँ, क्योंकि लोग आते हैं लाइक न्यू कमर्स, न्यू फॉलोअर्स, फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि लाइक उनके माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं, तो बेहतर है कि एक वीडियो बना ली जाए ताकि सबके लिए ईजी हो, जो देखना चाहे देख सकें। तो आप लोग फिर मुझे कमेंट्स में बताएं जो क्वेश्चंस हो, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, तो बेहतर यही है कि आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। चलिए चने बॉयल होते हैं फिर मैं दिखाती हूँ आपको, तब तक मैं कोई वीडियो वगैरह देख लेती हूँ यूट्यूब पे। बाय। हाँ तो ये चने हमारे बॉयल हो गए हैं, ये जो पानी है जिसमें बॉयल किए थे चने वो है, ये काम आएगा बाद में। और ये मैंने फेस पैक बनाए हैं, क्योंकि आज फिर मैं फेस पैक लगाऊंगी, तो इन तीनों चीज़ों को फ़िलहाल फ्रिज में रखते हैं, अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो मैं जाती हूँ, जाकर सोती हूँ, फिर उठकर इंशाल्लाह इनको बनाएंगे। तो चले तब तक अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। तो अभी 2:40 हो रहे हैं, मैं अभी दोबारा किचन में आ गई हूँ, ये सारी प्रिपरेशन है चिक्कड़ छोलों की, तो ये आलू है और ये वही पानी है जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था, ये चने, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची और लहसुन। तो इसमें पहले ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा थोड़े से चने इसमें डाल के इसके साथ इसको पीस लेते हैं, तो इसको मैं पीस लेती हूँ फिर बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये निकालूँ, इसमें मैं पीसती हूँ फिर दिखाती हूँ, ठीक है। पहले आलू बॉयल वो कर लेते हैं, पीस लेते हैं, फिर चले चले मैं ही पीसती हूँ, क्योंकि कैमरा स्टैंड मेरे पास है नहीं, एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो फिर ऐसे ही मुश्किल हो जाएगा, तो मैं पीछे हमने पीस लिया आलू और चने थोड़े से। अब ये हमने 2 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल लिया है, तो ऑयल में ये एक अनियन डाल देंगे,
साथ में लहसुन भी डाल देते हैं। तो इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो टमाटर डालते हैं। चलिए इसको ब्राउन करते हैं। ब्राउन हो गए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको। अब थोड़ा सा नमक डालते हैं क्योंकि चनों में बॉईल करते वक्त भी डाला था हमने। ये कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, ये थोड़ी सी हल्दी और ये चिली पाउडर। तो ये धनिया मेरे पास कम ही है, धनिया पाउडर, तो ये सारा डाल देते हैं। साथ ही इसमें टमाटर डाल देते हैं। तो टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा सा जोड़ते हैं ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। हाँ, तो टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए ना, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। मैंने निकाल लिया, ये ऑयल है, तो अब इसको ना ग्राइंड कर लेते हैं। इसको ग्राइंड करते हैं, इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाते हैं। ये स्मूथ सा पेस्ट बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ऑयल है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे। ये थोड़ा सा जीरा फ्राई हो जाए, ये जो हमने पेस्ट बनाया है ये डाल देंगे, और साथ ही ये डाल देंगे जो हमने आलू और चनों को पीसा था। तो इसको थोड़ा फ्राई करते हैं, फिर डालते हैं। तो ये हमने डाल दिया है, साथ ही ये जो हमने बॉईल किया था ये भी डाल देंगे। एक हाथ से बंदा क्या करें। अब अच्छे से पकाएंगे इस मसाले को, साथ ही इनको, ये जो हमने आलू और वो डाला है चने। तो ये जैसे ही बनता है ये मसाला, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तब तक अल्लाह हाफिज़। ये देखिए ऊपर ऑयल आ गया है, तो मतलब मसाला हमारा अच्छे से बुन चुका है। ऐसा करते हैं कि इसमें अपने चने डाल देते हैं। और इसके साथ थोड़ा सा उबाल रहा है सब, पानी डाल देते हैं। बस इसको आप 5-6 मिनट तक पकाएंगे स्लो फ्लेम पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक, ठीक है? हाँ जी, तो चने हमारे तैयार हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो सर्विंग टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी। ये डालेंगे, धनिया डालेंगे, मिर्ची डालेंगे और प्याज छोटा छोटा करके डालेंगे। और ये रेसिपी है मुबशर सदीक की, काफ़ी पाकिस्तानी तो जानती होंगे उनको, तो उनकी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चने तैयार हो गए। तो ये तैयार हो गए, अब मैं आटा गूंथती हूँ। कड़े होने की हिम्मत नहीं है तो लाउंज में ही गूंथ देती हूँ बैठ के। किचन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बस और नहीं। तो मैं इधर आटा गूंथ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये कपड़े अभी तक ड्राई नहीं हुए, ये ड्राई हो जाए तो इनको मैं फोल्ड करती हूँ। तो आटा गूंथने के बाद मिलती हूँ आपसे, तब तक अल्लाह हाफिज़। आटा गूंथ लिया मैंने, चने तैयार है। तो अब मैं जाती हूँ, थोड़ा सो जाती हूँ, इसको फ्रिज में रखते हैं, ट्राई करती हूँ सो जाऊँ। अभी 4 बज रहे हैं, 1 घंटा भी रेस्ट कर लूँ तो काफ़ी है। तो इसको रखते हैं फ्रिज में,
फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हाँ जी, तो बीच में मैंने फिर कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, यहाँ पे मैं नेबर्स के लिए पूरियाँ बना रही थी तो हस्बैंड ने रिकॉर्डिंग कर ली, तो बहुत पूरियाँ भी बहुत अच्छी बनी थी और चने तो कमाल के बने थे। प्लीज़ ट्राई ज़रूर 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 करना अगर रेसिपी समझ आई हो। ये उनके लिए जो मैंने तैयार किया था, उतारी है सिंपल सी, वो फ्रूट है, और ये नगेट्स हस्बैंड ने फ्राई कर लिए, ये जूस, ये पानी। चलो इफ्तारी करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो यार, इफ्तारी के बाद मैं सो गई थी, मैंने शावर लिया है, मुझे समझ ही नहीं लगी मैं कैसे सोई हूँ। अभी रात के 2 बज रहे हैं, अभी मेरी आँख खुली है, ऐसे मैं सोई हूँ जैसे बंदा मर गया, अल्लाह माफ़ करे। तो तब मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग नहीं एंड किया था, और हस्बैंड ने भी नहीं जगाया बीच में कि चलो सो रही है रेस्ट करने दो। अभी मैं कोई ख्वाब देख रही थी तो अचानक मेरी आँख खुली है, तो अभी 2 बज रहे हैं। मैंने कहा चलो व्लॉग एंड कर देती हूँ, और अब नींद तो नहीं आ रही, तो देखूँगी कुछ वीडियो वगैरह देख लेती हूँ, फिर सहरी के बाद ही सो जाऊँगी। तो बस अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए प्लीज़, और अल्लाह हाफिज़, बाय।